हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सर, जो हमने हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उसको डिस्ट्रक्ट किया है, जो डिस्ट्रक्शन हमने किया है, उसके इम्पैक्ट हम पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो हमें बात करनी चाहिए सर, जो लार्ज स्केल हमारा जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हमारा लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है ना, हमें उसके बारे में भी बात करना चाहिए। क्योंकि सर, जो लार्ज स्केल जब भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जब भी नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लॉस है वो किन्हें होता है, वो फॉरेस्ट को होता है। फिर हम देखते हैं सिंस 1951, हम बात करने जा रहे हैं 1951 की, ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ओवर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो हम बात करते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की। तो सर, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1951 से अभी तक लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को क्या किया जा चुका है, क्लियर किया जा चुका है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। और सर, अभी भी ये काम जारी है। जब हम बात करते हैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की, तो सर, मध्य प्रदेश में अभी भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ताकि एक रिवर वैली प्रोजेक्ट वहां बनाया जा सके, विच वुड इंड्यूटेड 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। और सर, जैसे कि हम बात करते हैं कि सर, जो एरिया है वो है एरिया लगभग 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। तो हमने बात कर ली सर कंस्ट्रक्शन की, अब हम बात करते हैं माइनिंग की। तो सर, जो माइनिंग है ना, माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भी धीरे धीरे हमारे जो फॉरेस्ट है उनका क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो क्या होता है सर, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, जो कि कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहां ऐसा देखा गया है कि सर, वहां पे डोलोमाइट की माइनिंग होती है, और डोलोमाइट की माइनिंग होने के कारण जो ये बक्सा टाइगर रिजर्व है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिर हम देखते हैं, इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर, जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, जो रहने का उनकी जगह है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और इसी के साथ साथ जो उनकी माइग्रेशन एक्टिविटी है, माइग्रेशन रूट है ना, वो भी चेंज होता जा रहा है, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियाना एलिफेंट। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर, जो इंडियन एलिफेंट है, वो भी अब धीरे धीरे अपने जो रूट्स हैं, जो माइग्रेशन है उसके जो रूट्स हैं, उनको चेंज कर रहा है। फिर हम देखते हैं, मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। तो जब भी हम बात करते हैं सर फॉरेस्टर्स की, एनवायरमेंटलिस्ट की, तो उनका कहना होता है सर कि ओवरऑल जो ये फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है ना, वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है सर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, और इसी के साथ साथ फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से। मतलब जो लोग है ना, लकड़ियाँ लेके आते हैं ना जंगलों से, उसके कारण, और उसी के साथ साथ जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज होती है ना, उसके कारण। दो देयर मे बी सम सब्सटेंसेस इन देयर आर्ग्यूमेंट। तो हम सर मान सकते हैं कि सर, कि कुछ है ना ग्रेजिंग की वजह से, कुछ हमारे है ना फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से, हो सकता है कि सर हमारे फॉरेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ क्या पड़े, इंपैक्ट पड़े। पर सर, जब हम बात करते हैं बिगर पिक्चर की, तो हम ये देख सकते हैं सर, जो माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, और इसी के साथ साथ सर ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हो गए, तो सर जो मेजर जो इंपैक्ट है ना, वो इन्हीं के वजह से पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हम बात करते हैं सर, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं ना, वो एक रिपोजिटरीज के जैसे काम करते हैं, जहां पे हमारे ओवरऑल कंट्री के कई सारे जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ कई सारे अदर रिसोर्सेज होते हैं दैट मीट द डिमांड ऑफ द रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर, जो हमारा लगातार जो ये एक्सपेंड होता हुआ इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी है ना, उसके कारण हम धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उसके सारे रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। दिस प्रोटेक्टेड एरियाज डज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब होता क्या है सर, जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके कारण सर लोगों के मनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि सर हर किसी के लिए सर प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब कुछ और ही है, और सर यही कारण है कि इसके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो जन्म लेते हैं, इसके कारण कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन,
poisoning and forest fires are factors which have led to the decline in India's biodiversity. तो सर जो हम decline देख रहे हैं ना इंडिया की biodiversity में वो किसके कारण हो रहा है सर, वो habitat destruction के कारण हो रहा है, धीरे धीरे जो habitat है वो destruct होते जा रहा है, hunting के कारण होता है, poaching के कारण होता है, over exploitation के कारण हमें ये देखने को मिलता है, environmental pollution के कारण हमें ये देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो forest fire होती है यही कुछ ऐसे factors है जिसके कारण जो इंडिया का biodiversity है वो धीरे धीरे decline होता जा रहा है। अदर इंपॉर्टेंट causes ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस, सर लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता, इसी के साथ साथ इक्विटेबल कंजप्शन नहीं हो पा रहा हमारे रिसोर्सेज का, इसी के साथ साथ सर जो डिफरेंशियल शेयरिंग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबिंग, तो सर एनवायरमेंटल वेलबिंग की जब भी बात की जाती है तो सर उसमें लोगों का है ना शेयर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो शेयर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता जाता है। क्यों होता है सर ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर जो भी फॉरेस्ट जो भी रिसोर्सेज है वो किसके लिए बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बने हुए हैं, इक्वली उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, किसी का भी उसके ऊपर राइट नहीं है। तो फिर हम आगे देखते हैं, ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो सर इसी के साथ सर जो ओवर पॉपुलेशन है ना, ओवर पॉपुलेशन के कारण भी हम ये देखते हैं कि सर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। हाउएवर ऑन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन, जब हम बात करते हैं अमेरिकन की तो वो लगभग 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू एवरेज सोमालियन के। फिर हम आगे देखते हैं, सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। और जब हम बात करते हैं रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी की, तो हमें ये देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं एज कंपेरेटिव टू 25% ऑफ पुअरेस्ट के। फिर हम आगे देखते हैं, द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबिंग, फिर हम इसी के साथ देखते हैं सर कि लोग है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे कि सर हमें है ना एनवायरमेंटल वेलबिंग को बनाए रखना है और इसके कारण हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो इज कंज्यूमिंग वॉट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच, तो सर क्वेश्चन यही है कि सर आखिर ऐसा कौन है जो इन सभी रिसोर्सेज को कंज्यूम करता जा रहा है, इसी के साथ वो कहाँ से कंज्यूम करता जा रहा है और सर वो कितना इसे कंज्यूम करता जा रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, जब भी हम बात करते हैं सर डिस्ट्रक्शन की, जब भी हम हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं, ये उससे बढ़कर है। द बायोलॉजिकल इशू इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, सब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल लॉस की तो हमें ये समझ में आता है सर बायोलॉजिकल लॉस तो हो ही रहा है और ये जो बायोलॉजिकल लॉस है वो कोरिलेट हो रखा है सर कल्चर डाइवर्सिटी से, तो सर हमें ये भी समझ में आता है कि धीरे धीरे लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी भी होता जा रहा है, हमारा जो कल्चर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, उसका भी लॉस होता जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एंड इम्प्रोवाइज मैनी इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, तो हम बात करते हैं सर ये जो लॉसेज है ना वो धीरे धीरे सर जो मार्जिनलाइज या फिर जो इम्प्रोवाइज सोसाइटीज है, जो इंडिजीनियस जो लोग है ना सर वहाँ पे रहने वाले उन फॉरेस्ट पे रहने वाली जो कम्युनिटीज है सर उनके ऊपर डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है, धीरे धीरे उनका जो ओवरऑल जो उनका कल्चर है वो खत्म कर रहा है, जो उनका लिवलीहुड है वो धीरे धीरे ये खत्म करता जा रहा है। वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन कल्चर स्पिरिचुअलिटी, तो हम ये समझ सकते हैं कि सर ये जो कम्युनिटीज है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है सर हमारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, और सर उनसे उन्हें क्या क्या मिलता है सर, उनसे उन्हें फूड मिलता है, ड्रिंक मिलता है, मेडिसिन मिलता है, कल्चर मिलता है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है, तो इसी के कारण हम समझ सकते हैं कि सर ऐसी जो कम्युनिटीज हैं जो इस फॉरेस्ट पे डिपेंड है, या फिर हम बात कर लेते हैं सर ऐसी कम्युनिटीज ऐसे इंडिजिनियस ग्रुप्स की जो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो हम ये समझ में आता है सर कि सर जब हम इनको डिस्ट्रक्ट करेंगे तब धीरे धीरे हमारी ये कम्युनिटीज भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं, विद इन द पुअर वुमन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, और हम बात करते हैं सर पुअर वुमन की, तो सर जब हम कंपैरिजन करते हैं मैन और वुमन में तो सर पुअर वुमन ज्यादातर क्या देखी जाती है, ज्यादातर अफेक्टेड देखी जाती है क्योंकि उनके लाइफ में कई सारे क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं इसके कारण। फिर हम आगे देखते हैं, इन मैनी सोसाइटीज वुमन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉर द, इसी के साथ सर वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंसेस
तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो वुमन्स जो होती है ना सोसाइटीज में, ऐसा देखा गया है कि सर उनका काम है सर फ्यूल को लाना, फोडर को लाना, वाटर को लाना, और इसी के साथ साथ सर जो बेसिक सस्टेंसेंस है ना, नीड्स जो है हमारी, उनको है ना जमा करने का काम, कलेक्ट करने का काम किसका होता है? वुमन्स का होता है, ऐसा ज़्यादातर सोसाइटीज़ में देखा गया है। एज दिस रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, और जैसे जैसे ये रिसोर्स डिप्लेट होते जाएंगे, दी डिग्री ऑफ वुमन इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दिस रिसोर्सेज। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही रिसोर्सेज डेप्लेट होंगे तो धीरे धीरे उन्हें सर ज़्यादा दूर जाके इन रिसोर्सेज को जमा करना होगा। तो सर आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में ही हमें फ्यूल मिल रहा था, मतलब हमारे पास में हमें वुड मिल रहा था, मेडिसिन मिल रही थी, तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं थी। जब ये रिसोर्सेज ही डेप्लेट हो जाते हैं तो उन वुमेंस को क्या करना होगा, दूर दूर तक चल के जाना होगा, लगभग 10 किलोमीटर्स तक उन्हें जाना होगा ताकि वो फ्यूल को ला सके, फोडर को ला सके, वाटर को ला सके। फिर हम आगे देखते हैं, दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क। तो सर इससे होगा क्या, धीरे धीरे उन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, इसी के साथ साथ सर वो अपने घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाएगी, अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि सर उनका जो ओवरऑल टाइम है वो सब इस कलेक्शन में ही लग जाएगा, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन, और इसी के कारण सर कुछ इसमें सोशल इम्प्लीकेशन भी देखे जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट of degradation such as severe drought or deforestation induced floods etc. also history poor the हार्डेस्ट। और इसी के साथ साथ सर जो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा, इसके साथ धीरे धीरे सर डिफॉरेस्टेशन होगा, फ्लड्स आएंगे, और इसी के कारण सर धीरे धीरे ये जो हमारा पुअर है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट इससे क्या होगा, हिट होगा। तो हम ये समझ सकते हैं सर ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ने वाला है, पुअर पे ही पड़ने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं, पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्टली आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो हम ये समझ सकते हैं सर कि जो हमारी पावर्टी है सर, गरीबी बढ़ जाएगी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है तो गरीबी बढ़ जाएगी, और साथ साथ ही सर जो ये पुअर जो क्लास है उनकी प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देयर फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू दी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन दी सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं सर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ और एनवायरमेंट के लिए इस कॉन्टिनेंट में। इट इज़ इम्परेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सर हम ऐसे कुछ कदम उठाए, कुछ ऐसे हम इम्पेरेटिव्स को हम ले ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, और इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज को क्या करना होगा, अपनाना होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस कोर्सशाला के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।